अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड में जा चुका है। देखिए गिल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे नो डाउट, डगसिक नाम से भी खेल रहे हैं यहाँ पर इन गेम में। मैं जरूर बताना चाहूंगा दर्शकों की काफी अच्छा खेल रहे थे, 6 किल्स निकाल चुके हैं अभी अगर आप वहां पर देखेंगे, बट एंड तक क्यों नहीं लेके आ पाए। आप जोन, आपको जोन के अंदर जाने चाहिए था आपको, ना कि आप बिल्कुल आप बोल सकते हैं जोन के बाहर से आपको फाइट लेनी थी। वो काफी देर से उन्होंने देखा कि हाइड्रा के ऊपर भी वहां पर प्रेशर बिल्ड करा था, और उसके बाद वहां पर रेगल टॉस के ऊपर भी जो स्प्रे दिया उन्होंने वो एक गलती साबित होते नजर आई। वैकेल होता तो एक अलग सीन होता वहां पर, लेकिन आप ओपनली जा रहे हैं, इतना ऑफ गार्ड जा रहे हैं, तो रेगल टॉस के लिए काफी ईजी रहेगा क्योंकि रेगल टॉस का बुलेट डैमेज और प्लस आपको जोन का डैमेज वो अलग से आपको पड़ रहा है। एंड चलिए बाकी हम बात करते हैं स्काईलाइट्स की, तो अभी आखिरी उम्मीद है यहाँ पर सोमराज, और मुझे लग रहा है फर्स्ट एड किट वहां पर वो पिक कर लेंगे नो डाउट। कितने फर्स्ट एड किट है वो मैं जरूर देखना चाहता हूं, क्या रेवेनेंट के टॉप डॉग को नॉकआउट कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उनका भी फोकस है ये पिक करना। एंड मैं देखना चाहता हूं कितने यहां पर है, 5 फर्स्ट एड किट्स हैं, लेकिन 100 मीटर ट्रैवल करना है, ये एक थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है उनके लिए यहां पर। रावण देखिए चैलेंज तो यार चैलेंज के साथ ये प्लेयर यहाँ पे अपने आप को हमेशा अपने आप को रखना चाहते हैं। टीम सूल की बात करें रेगल टॉस की तरफ से कमाल का रिफ्लेक्स देखने को मिला, लेकिन इस पॉइंट पे फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट है, रिवाइवल मिल जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। 4 टीमें फिलहाल यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, 9 प्लेयर सातवां सर्कल भी यहाँ पे बात करें, 8वें में तब्दील होने के लिए स्टार्ट हो चुका है। नियो फ्रंट साइड है, ग्रेनेड वापस से पिन आउट करेंगे, जंप ग्रेनेड जाएगा यहाँ पे रेगल टॉस की तरफ से, क्या वहां पे नियो को मुश्किल में डाला जा सकता है वो जरूर से देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा राइट एंगल से ये सर्कल में जाए यहाँ पे फ्रंट साइड जाए वो देखने वाली बात होगी, कि अभी टीम सोल अपने आप को सर्कल में पा रहे और इस मैच में एक अच्छे पॉइंट तक अपने आप को लेके आ चुके, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। आरएमडी के पास अपर हैंड है, हाई एडवांटेज रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि स्क्वाड से मैं बोलना ही वाले था कि स्काउट टोटल यहाँ पे बात करें 4 प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे नॉकआउट करते हैं, न्यू की बात करें सामने के न्यू यहाँ पे सरप्राइज करते हुए नॉकआउट किया। अब मुश्किल है फिलहाल आरएमडी के ऊपर, फिलहाल वापस है बट उनको ये नहीं पता था कि एक और खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, नियो के रूप में यहाँ पर एक खिलाड़ी मौजूद है, और नियो के पास अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल कवर उन्होंने क्रिएट जरूर किया हुआ है, लेकिन फायदा नहीं मिलता, और इस बार कोई गलती यहाँ पर नहीं करेंगे। इंटेल मिल चुका था उनको यहाँ पर रावण, और अगर फिर से कोई खिलाड़ी नॉकआउट आता तब तो बोल सकता है यहाँ पर रेवेनेंट की गलती, बट अब टॉप 2 टीम्स हमें देखने को मिलते हैं, रेवेनेंट वर्सेस टीम सोल, और क्या ही आगाज यहाँ पर हुआ टीम सोल का, साथ साथ टीम गॉडलाइक का भी काफी शानदार आगाज, क्योंकि गॉडलाइक की मैंने देखे थे 10 से 11 किल्स वहां पर हमें, 11 फिनिशेस हमें देखने को मिले थे, और अगर बात किया टीम सोल की 8 फिनिश के साथ टॉप 2 ये आ चुके हैं, और दूसरी अगर बात करें टीम रेवेनेंट की तो उनके भी 8 फिनिशेस, मतलब ये जो टॉप 3 टीम्स रही इनका कहीं ना कहीं दबदबा हमें इस पहले मैच में देखने को मिला इस क्लच इन्विटेशनल बीजीएमआई डे 1 में। देखिए दोनों तरफ से एक प्लेयर को यहाँ पे टेक डाउन कर दे, ये होता है एक असली कंपटीशन। वाइपर डिफरेंट एंगल रेगल टॉस रिवाइवल की कोशिश करेंगे यहाँ पे, फ्रंट करेंगे फ्रंटर्स को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। वाइपर की पोजीशन उन्हें पता नहीं, रेड फाइल ये मैच यहाँ पे सोल के कंट्रोल पे था, लेकिन अब यहाँ पे बात करें वॉलीबॉल से सीधे क्लीन अप करेगा टॉस ट्राई कर रहे कनेक्टेड टू दिस सोल यहाँ पर मिला नहीं वापस टॉप का टाइम सोल सोल यहाँ पे क्लच इनविटेशनल का पहला मैच यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर टीम सोल अपने नाम करके जाएंगे स्मोक्स के पीछे अपने आप को काफी अच्छी तरीके से कवर में लेके गए। आरएनटी के प्लेयर प्रोन डाउन थे, पोजीशनिंग अपनी मूवमेंट्स की बात की जाए वो ज्यादा कर लिए थे, बट जिस तरीके